हनुमानगढ़ में नशा तस्करों पर पुलिस का शिकंजा और रावतसर में नशे के तस्करों के कब्जे से करीब 2 करोड़ की जमीन मुक्त करवाई है। सुरेंद्र, वीरेंद्र और अनिल तीनों भाई के खिलाफ एनजीपीएस सहित करीब 10-19 मामले दर्ज थे और ऐसे में अनिल झिंझा से सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी पूछताछ की गई और साथ ही घर के आगे जो अतिक्रमण किया हुआ था बेशकीमती जमीन 2 करोड़ इसकी कीमत बताई जा रही है इसे भी अतिक्रमण मुक्त करवाया। एसपी विकास सांगवान, थानाधिकारी वेदपाल शिवराण की कार्रवाई, रावतसर नगर पालिका प्रशासन भी साथ रहा। एजीएम प्रकाश पासवान ने कहा कि डीजीपी के निर्देशन में अभियान जारी है। हनुमानगढ़ में नशा तस्करों पर पुलिस का शिकंजा, लेकिन नशे के तार किस तरह से अपराधों के और साथ ही बड़े गुनाहों के जरिए पुलिस तक जब जानकारी पहुंची और सिद्धू मूसेवाला के भी हत्याकांड में इस मामले पर सुनवाई लगातार चल रही थी, लेकिन पुलिस की कार्रवाई के मद्देनजर यहां इन लोगों से भी, अनिल झिंझा से भी पूछताछ हुई। ये बाबा रामदेव कॉलोनी है, इसकी फैसिलिटी की जगह थी, इसके ऊपर लकड़ी को डाल के कब्जा कर रखा था जिसको होने का है, और साथ ही इनके द्वारा सड़क पर 4 दीवारी करके कब्जा कर रखा था। ये कब्जा किसके नाम से है सर? वीरेंद्र कुमार के नाम। पिछले 4 दिन से इन लोगों के खिलाफ चेकिंगें भी की गई समय समय पर और इनको बंद भी किया गया। इसी क्रम में ये चीज़ें सामने आई कि जो रामदेव कॉलोनी है वो उसकी जो फैसिलिटीज़ के लिए जगह छोड़ रखी थी उस पर इस परिवार ने कब्जा कर रखा है, जिसकी आज के समय में बाज़ार मूल्य लगभग 2 करोड़ रुपये बाजार मूल्य अनुमानित। उस जगह को नगर पालिका के संज्ञान में लाकर उसको उसका अतिक्रमण हटाया है, नगर पालिका ने उसको अपने कब्जे में लिया है और इनका जो मकान बन रखा है इस परिवार का संयुक्त रूप से, उसमें ये चीज़ें सामने आई कि इनके द्वारा अतिक्रमण किया गया है घर के बाहर, उस अतिक्रमण को भी नगर पालिका प्रशासन के द्वारा तोड़ा गया है। देखिए जिस तरह की कार्रवाई हुई है नशा तस्करों पर पुलिस का शिकंजा भी कसा है और ऐसे में बीकानेर से रेजिडेंट एडिटर लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी वो साझा करेंगे। लक्ष्मण, हनुमानगढ़ में नशा तस्करों पर पुलिस का शिकंजा कसा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अवैध अतिक्रमण पर ही इन पर संशय नहीं था और भी कई मामलों में इनसे पहले भी पूछताछ हुई है, क्या कार्रवाई रही लक्ष्मण ये ताजा? देखिए लगातार जो है एक अभियान चल रहा है राजस्थान पुलिस का नशा तस्करों के खिलाफ, उसी के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। दरअसल ये भी जरूरी है कि दरअसल नशे का व्यापार करते हैं और उसके बाद आप अतिक्रमण कर लें, आलिशान बिल्डिंग बना लें और इतने मुकदमे 19 मुकदमे हैं जिसमें एनडीपीएस सहित गंभीर अपराधों के मामले दर्ज हैं। सिद्धू मूसेवाला मामले में पुलिस उसको राउंड अप करके लेके गई, पूछताछ भी की, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये भय को खत्म करने का एक तरीका है। खासतौर पर बेशकीमती जमीन थी तो नगर पालिका को राजस्व का भी फायदा है, इतनी महंगी जमीन को मुक्त कराया गया, इससे पहले कार्रवाई नहीं हो रही थी, क्या कारण था अलग विषय है। आज जो है नगर पालिका के साथ साथ रावतसर थाना पुलिस और एसपी के निर्देशन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, तो कहा जा सकता है एक संदेश छोड़ने की कोशिश है। और जैसा कि आप जानते हैं हनुमानगढ़, गंगानगर ये इलाका दरअसल पंजाब हरियाणा के टच में और यहाँ नशे की तस्करी को लेकर पहले भी खूब सी बातें होती रही हैं, ऐसे में इस तरह के अभियान लगातार जारी रहे ये जरूरी है। लेकिन लक्ष्मण, ये तीन भाई सुरेंद्र, वीरेंद्र और अनिल तीनों के खिलाफ 19 एनडीपीएस के मामले दर्ज हैं, इन पर कार्रवाई की बात करें तो यह अवैध अतिक्रमण की कार्रवाई हुई, इसके अलावा पूछताछ दूसरे मामलों में हुई, लेकिन पर्सनली इनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है क्या? देखिए निश्चित तौर पर इनके खिलाफ गिरफ्तारियां हुई भी हैं इनकी, लेकिन कई बार क्या है कि ये जमानत हो जाती है, कई चीजें हैं, लेकिन हाँ कार्रवाई हुई है और आप समझिए तो पूरे कुएं में ही भांग पड़ी हुई है, यानी तीनों ही भाई आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त हैं, इससे बड़ी बात क्या होगी, आप समझिएगा इस बात को, और निश्चित तौर पर पुलिस पहले भी कार्रवाई करती रही। अच्छा लक्ष्मण, जो ताजा तस्वीरें दिखा रहे हैं इस कार्रवाई से जुड़ी हुई, जिसमें पीला पंजा चलता हुआ नजर आ रहा है, 2 करोड़ की जमीन बताई जा रही है, कब से कब्जा किया हुआ था? देखिए काफी अरसे से थी और ये जो मैं आपको बताऊं ये इस पर फैसिलिटी बननी थी, जो फैसिलिटीज होती हैं वो बननी थी, लेकिन इन दबंग भाइयों ने इस पर कब्जा कर लिया था इसलिए वो नहीं बन पा रही थी, तो ये लंबे अरसे से कब्जा था इनका, पहले भी नगर पालिका ने नोटिस दिए थे लेकिन कुछ हुआ नहीं, ऐसे में आज पुलिस का पूरा सब सहयोग रहा और नगर पालिका का जो दस्ता है वो भी मौके पर रहा। ठीक है लक्ष्मण, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। देखिए तस्वीरों में साफ तौर पर आपको नजर आ रहा है क्योंकि बार बार नोटिस भी दिए जा रहे थे, हालांकि कई सारे मामले इन तीनों भाइयों पर दर्ज हैं, एनडीपीएस के 19 मामले
एनडीपीएस के बताए जा रहे हैं, लेकिन जो ताजा कार्रवाई हुई है ये दरअसल एक अवैध अतिक्रमण से जुड़ी हुई कार्रवाई है, जिसमें पीला पंजा पहुंचा और उसके बाद अवैध अतिक्रमण जिस स्थान पर किया हुआ था, 2 करोड़ की जमीन बताई जा रही थी, उसे अवैध अतिक्रमण से मुक्त करवाया।